आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑफ मकैनिज़्मन ठीक है इसको हम ऑफ ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन एक ही मतलब होता है दोनों का ठीक है अब देखिए रेस्पायरेशन मतलब होता है सांस लेना आपको पता होगा और रेस्पायरेशन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं एक तो होता है इंस्पायरेशन यानी कि सांस को अंदर लेना एक प्रोसेस होती है एक्सपायरेशन यानी कि सांस को बाहर छोड़ना ठीक है अब ये जो दोनों ही जो प्रोसेस होती हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ये बेस होती हैं प्रेशर ग्रेडियंट पे यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है कि रेस्पायरेशन कैसे होगा ठीक है प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है कि प्रेशर कहाँ ज़्यादा है बाहर प्रेशर ज़्यादा है और अंदर प्रेशर कम है तो क्या होगा इंस्पायरेशन होगा यानी कि बाहर जो प्रेशर है और जो अंदर प्रेशर कम है बाहर से अंदर की तरफ एयर आएगी यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो एयर है वो जाएगी सारी की सारी जो सिचुएशन अभी बनेंगी ना किस तरीके से ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर जाती है फिर ब्लड से कैसे वो ऑक्सीजन टिशू के अंदर पहुंचती है फिर टिशू से कैसे सी निकल के फिर वापस ब्लड में आती है फिर ब्लड से सी कैसे लंग्स के थ्रू बाहर आती है ये जितनी भी सारी प्रोसेस होंगी ना ये केवल एक चीज़ पे बेस है वो है प्रेशर ग्रेडियंट जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से एयर लो प्रेशर की तरफ जाएगी यानी कि जो हवा है जो एयर है जो ऑक्सीजन सीओ टू है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएंगे ठीक है सारी ही सिचुएशन के अंदर ठीक है तो आप धीरे धीरे समझते जाइए आज का जो लेक्चर है वो उसके अंदर जो भी नोट्स मैंने बनाए हैं वो थोड़े से मे बी आपको टफ़ लगे लेकिन समझ में आपको क्लियर आ जाएगा ध्यान से आप समझते जाइए और क्लियर होता जाएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन देखिए रेस्पायरेशन यानी कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजिज पहला है इंस्पायरेशन स्टेज दूसरा है एक्सपायरेशन स्टेज इंस्पायरेशन स्टेज में क्या होता है इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमोस्फिर एयर इज ड्रान इन यानी कि जब हवा अंदर ली जाती है तो उसको इंस्पायरेशन बोलते हैं एंड द एक्सपायरेशन बाई विच द एल्यूलर एयर इज रिलीज आउट यानी कि जब जो एल्यूलाई के अंदर एयर है जब वो बाहर निकाल दी जाती है उस प्रोसेस को एक्सपायरेशन बोलते हैं राइट द मूमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग इज़ कैरीड आउट बाई क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट जो हवा है जो अंदर और बाहर आती जाती रहती है वो क्यों होती है वो होती है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ठीक है किस अब जो ये प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो किस किस के बीच होगा वो लंग लंग्स जो होते हैं उनके बीच और जो एटमोस्पियरिक एयर है उसके बीच होगा ठीक है प्रेशर ग्रेडियंट तो बिटवीन द लंग्स एंड द एटमोस्फियर राइट अब आगे देखिएगा इंस्पायरेशन के बारे में इंस्पायरेशन कैन अकर इफ़ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापलमरी प्रेशर इज़ लेस देन द एटमोस्फरिक प्रेशर यहाँ पे एक बा आप बात समझिए मैंने बताया था एयर जो है वो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगी ठीक है देखिएगा ध्यान से ये हमारा माउथ है ठीक है फिर यहाँ पे ये हमारी विंड पाइप है फिर यहाँ पे ये हमारे जो हैं ये लंग्स आ गए ठीक है ये हमारे हो गए लंग्स अब जो ये माउथ है ना माउथ के बाहर की जो एयर है ये जितनी भी एयर है इसको बोलेंगे एटमोस्पिर एयर और एटमोस्पिरिक एयर की वजह से एटमोस्पिर प्रेशर जनरेट होगा और जो लंग्स के अंदर जो ये एयर है इसको बोलेंगे इंट्रापल्मोनरी एयर और इस एयर की वजह से इंट्रापल्मोनरी पलमोनरी प्रेशर होगा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी कि लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमोस्प्रिक प्रेशर यानी कि एटमोस्परिक एयर की, की वजह से जो प्रेशर है वो होगा अगर बाहर प्रेशर ज़्यादा है तो बाहर से अंदर की तरफ हवा जाएगी तो ये होगा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन तब होगा जब अंदर इंट्रापलम्री प्रेशर ज़्यादा होगा तो अंदर से बाहर की तरफ एयर आएगी तो उसको बोलेंगे एक्सपायरेशन ठीक है तो ये होता है रेस्पायरेशन का ठीक है तो समझिए क्या कहता है ये इंस्पायरेशन कैन अक्कर कब होगा इफ़ द प्रेशर विद इन द लंग्स जो लंग्स के अंदर प्रेशर है उसको बोलते हैं हम पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमोस्प्रिक प्रेशर राइट अभी मैंने आपको बताया वही बात लिखी हुई है सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापलमरी प्रेशर इज हायर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर कह रहा है कि एक्सपायरेशन तब होगा जब जो इंट्रापलमरी प्रेशर है वो हाई होगा एटमोस्फरिक प्रेशर से ठीक है अब आगे देखिए डायाफ्रेगम एंड ए स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स कौन सी जो स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स रिब्स के बीच में ना मसल्स होती हैं वो होती हैं ये इन मसल्स का क्या नाम है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल और एक होता है डायाफ्रैगम जो कि लंग्स के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है राइट हेल्प्स इन जनरेट ऑफ सच ग्रेडियंट जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो इनकी वजह से ये प्रेशर ग्रेडियंट जनरेशन में हेल्प करेंगे थोड़ा सा देखिए ये हमारा जो लंग्स है जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे विंड पाइप है ये लंग है जैसे लंग है इसके नीचे ना इस शेप में डायाफ्रैगम होता है ये ये होता है डाया ठीक है आपको पता भी होगा ये जो डाया एक इस शेप में होता है थोड़ा सा ये ऐसे मुड़ा हुआ ही होता है ठीक है जब लंग्स एक्सपेंड करेंगे ना तो ये डाइफ्रेगम ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कहने का मतलब है जैसे ही एक्सपायरेशन प्रोसेस होगी तो वापिस से फिर से रिलैक्स हो जाएगा इसी टाइप में ठीक है ऐसा कुछ होने वाला है आगे देखिएगा इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्रैगम अब इंस्पाइरेशन कैसे होगा जैसे ही हमने सांस को अंदर लिया तो जो लंग्स के अंदर एयर है वो जाएगी ठीक है और क्या होगा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा लंग्स का मतलब मतलब जो लंग्स है ना वो एक्सपेंड होंगे थोड़े से जैसे ही लंग्स एक्सपेंड होंगे तो क्या होगा वो डायाफ्रेगम भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा पहले डायाफ्रैगम ऐसा था अब डायाफ्रेगम कॉन्ट्रैक्ट हो गए स्ट्रेट हो गया राइट जैसे ही इंस्पायरेशन प्रोसेस हुई ठीक है विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर जो थोरेसिक चैम्बर है वहाँ की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिज ओके एंटीरियो पोस्टेरियर एक्सिज़ जो है वहाँ पे एंटीरियो पोस्टि का मतलब क्या है ये देखिए अभी बताता हूँ आपको एंटीरियो पोस्टीरियर ये ऐसे लंग्स है इसके नीचे ये लंग्स है ना इसके नीचे डाइफ्रेगम है तो ये जो ऊपर की साइड है ये एंटीरियो नीचे की साइड है इसको बोलते हैं एंटीरियो पोस्टीरियर जो ये एक्सीज है ना इसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस राइट और डोर्सो वेंट्रल एक्सिस क्या होता है ये आपको पता होगा डोर्सो वेंट्रल है कि जो बैक साइड है हमारी जो बैक साइड है उसको डोरसो बोलते हैं डोरसल बोलते हैं और जो फ्रंट साइड है उसको वेंट्रल बोलते हैं तो कुछ कैसे बताऊं मैं जैसे ऐसे और इस टाइप में किस तरीके से बताया जाए आप समझ रहे हो जो हमारी जो फ्रंट साइड है मान फेस जो है फेस साइड है उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड है, और पीछे की साइड को डोरसल साइड बोलते हैं उसी को बोलते हैं डोरसो वेंट्रल एक्सिस राइट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट ऑफ द रिप्स ठीक है जो कॉन्ट्रैक्शन होगी ना जैसे ही इंस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं इंस्पायरेशन होता है तो कॉन्ट्रेक्शन होती है डाया की तो डाया की शेप तो हो जाती है कुछ ऐसे स्ट्रेट इससे ऐसे हो जाती है ठीक है अब जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी और उनकी वजह से क्या होगा उनकी वजह से जो रिब्स है वो थोड़ा सा ऊपर उड़ जाएगी आप क्या करो अपना सांस को अंदर लेके देखो बार बार आपको लगेगा कि हमारी जो रिब्स है थोड़ी सी अप हो रही है लिफ्ट अप हो रही है ठीक है और जो अंदर की जो वॉल्यूम है ना वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो रही है जिसको हम थोरेसिक वॉल्यूम बोलते हैं एंड द स्टर्नम कोजिंग एन इंक्रीज़ इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर वेंट्रल एक्सिज ठीक है जो हमारी रिब्स है वो थोड़ा सा आ, क्या होगी लिफ्ट अप होगी और जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी ठीक है इंस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान आगे देखिएगा द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कोज ए सिमिलर इंक्रीज इन पलमोनरी वॉल्यूम जैसे ही हमने सांस ली तो पलमोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी अब पलमोनरी वॉल्यूम के इंक्रीज होने से जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा अब प्रेशर हो गया डिक्रीज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हो गया डिक्रीज यानी कि ये कम अब डिक्रीज जैसे ही वो होगा तो अब जो एयर है एटमोसफियर की वो क्या आएगी वो हमारे लंग्स के अंदर चली जाएगी यानी कि इंस्पायरेशन प्रोसेस वो होगी एंड इंक्रीज़ इन पलमोनरी वॉल्यूम डिक्रीज़ द इंट्रा पलमोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमोसफी प्रेशर विच फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इन टू द लंग्स जो एयर है वो आउटसाइड से लंग्स के अंदर आ जाएगी और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पायरेसन ठीक है ये थोड़ी सी मुझे पता है टफ लैंग्वेज में मैंने लिखा है मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वेबसाइट पे थोड़ी सी जी लैंग्वेज के अंदर ये सब लिख के डाला जाए ठीक है तो अब फिलहाल के लिए आपको ये समझना पड़ेगा आगे आता है इसका उल्टा अब जितनी भी सारी चीज़ जो डायफ्रैग है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो थोड़ी सी क्या हुई थी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी जो रिब्स है वो लिफ्ट अप हुई थी इंस्पायरेशन जब हुआ था अब एक्सपायरेसन होगा तो क्या होगा ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी अपनी अपनी पोजिशन पर आ जाएंगी तो रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्रेगम एंड द इंटर कोस्टल मसल्स रिटर्न द डायफ्रैगम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजिशन एंड रिड्यूज द थोरेसिक वॉल्यूम देर बाय द पलमोनरी वॉल्यूम देर बाई द पलमोनरी वॉल्यूम दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रापलम्री प्रेशर इस वजह से इंट्रापलम्री प्रेशर इंक्रीज़ होगा टू स्लाइटली अबाउ द एटमोस्प्रिक प्रेशर एटमोस्प्रिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा और फिर क्या होगा अगर इंट्रापलम्री प्रेशर ज़्यादा है तो लंग्स से जो हवा है वो बाहर की तरफ जाएगी और इस प्रोसेस में हो जाएगा एक्सपायरेशन तो ये प्रोसेस है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ये इस तरीके से होने वाला है और इस इन दोनों प्रोसेस को मिला के बोलते हैं रेस्पायरेशन ये था मैकेनिज़म ऑफ रेस्पायरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये थोड़ी सी थोड़ा सा टफ़ था क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है इसलिए शायद आपको ना भी समझ में आया हो बट मैंने ट्राई किया आपको समझाने का ठीक है आप ध्यान ध्यान से ए, वर्डिंग पढ़िएगा एक बार फिर से आपको शायद समझ में आ जाए अच्छे तरीके से आगे देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ बताता हूँ मैं कि कैसे ऑक्सीजन जाती है हमारे बॉडी के अंदर और कैसे जो बॉडी के अंदर सी ओ टू है वो बाहर आती है ठीक है सारा खेल जो है वो केवल एक चीज़ पे डिपेंड है प्रेशर ग्रेडिएंट ठीक है जो प्रेशर है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो एयर है वो मूव करने वाली हैं जितनी भी गैसेज हैं वो ऐसे मूव करेंगी ध्यान से देखते जाइएगा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ऊपर की तरफ ये जो मैंने यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ना ये है एलवियलाई लंग्स के अंदर जो लास्ट का पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज दिस इज़ द एलवियोलाई ठीक है और ये हमारा हो गया हर्ट ठीक है और ये ये हमारे हो गए बॉडी टिश्यूज ठीक है और ये हर्ट से निकल रही है आर्टरी और ये है वेन और ये पल्मोनरी वेन और ये पल्मोनरी आर्टरीज आ रही है ठीक है ध्यान से देखिएगा बिल्कुल ध्यान से अब जो ये एलियोलाई एयर है ना इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो है एक सौ चार और जो सीओ टू है उसका जो प्रेशर है वो है चालीस एम एम एच ठीक है अब ये जो ब्लू ब्लू आपको कलर दिख रहा है ना जितना भी दिख रहा है इस साइड पे जो प्रेशर है यहाँ से यहाँ तक वो है ये ऑक्सीजन का और सी टू का ठीक है और जो आपको ये यहाँ से इस अलग कलर में ये दिख रही है यहाँ से यहाँ तक इसका जो प्रेशर है वो है ये ऑक्सीजन का और सी टू का ठीक है ओके अब ध्यान से बिल्कुल ध्यान से देखना आपको जैसे ही हमने हवा मतलब कि इंस्पायर किया तो हवा आ गई यहाँ एलिवलाई के अंदर ठीक है जैसे ही एलिवलाई के अंदर आई तो उस एयर के अंदर क्या होगा ऑक्सीजन होगी सी होगा ठीक है अब यहाँ पे जो इस एलिविलाई के अंदर जो एयर है वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर इतना है और सी का प्रेशर इतना है लेकिन यहाँ पे इसके अंदर जो प्रेशर है वो कितना है वो है ऑक्सीजन का नाइन्टी फाइव और इस सी टू का फोर्टी अब क्या होगा जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे एक सौ चार है और यहाँ पे ऑक्सीजन नाइन्टी फाइव है तो ऑक्सीजन एलिई से अंदर की तरफ आएगा मतलब जो ये वेन है ना ये वेन है इसके अंदर ऑक्सीजन आ जाएगा अब जो ये पलमोंद्री आर्ट्री है इसके अंदर जो सी है यहाँ पे ऑक्सीज सी पैंतालीस है और यहाँ पे सी ओ टू फोर्टी है यहाँ पे मतलब यहाँ पे ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा तो सी ओ टू चला जाएगा एलवल के अंदर तो सी ओ टू तो निकल गया बाहर ऑक्सीजन आ गया अंदर ठीक है अब यहाँ से ऑक्सीजन कैरी करता हुआ फिर ए, नीचे की तरफ कैरी करता हुआ फिर यहाँ से यहाँ से आएगा ऑक्सीजन इधर अब इधर आने के बाद ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पे कम है एज़ कम्पेयर टू बॉडी टिशू तो ऑक्सीजन हो जाएगा ट्रांसफर बॉडी टिशू के अंदर और बॉडी टिश्यू के अंदर जो सी है उसका प्रेशर है ज़्यादा वो आ जाएगा इस वेन के अंदर सिस्टमिक वेन के अंदर सी फिर सी ओ यहाँ से आता 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 फिर यहाँ पे आएगा फिर यहाँ से फिर पंप कर दिया जाएगा यहाँ से फिर वही एलिइज के अंदर बाहर निकल जाएगा तो ये पूरी प्रोसेस है ऑक्सीजन की प्रेशर ग्रेडियंट पे बेस है कि कैसे ऑक्सीजन अंदर आता है और कैसे सी बाहर जाता है ठीक है ये थोड़ा सा रफली मैंने आपको बताया है आपके सिलेबस में ये नहीं है अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है अगर आपको समझ में आ गया है थोड़ा सा भी तो बहुत अच्छी बात है आप अगर आप बुक्स है आपके पास तो उसमें पढ़िएगा ठीक है एक्सचेंज ऑफ गैसेज नाम से टॉपिक होगा तो वहाँ पे आपको शायद समझ में आ जाए अच्छे तरीके से ठीक है तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे एक्सचेंज होता है गैसेज का अब बात करते हैं थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ऑक्सीजन का ठीक है जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आती है तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट करती है मतलब वो जो बॉडी के टिश्यू है वहाँ तक कैसे जाती है जो हमारी जो ऑक्सीजन होती है ना वो जैसे ही ब्लड के अंदर आ जाती है वो बाइंड कर जाएगी वो तीन परसेंट जो ऑक्सीजन है वो तो प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होके पहुँचेगी टिशू के पास और जो नाइन्टी सेवन परसेंट है वो आर बी सी के साथ बाइंड हो जाएगी और ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ आर बी सी के अंदर क्या होती है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना ऑक्सीजनेशन प्रोसेस कहलाता है और जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो तीन परसेंट ऑक्सीजन प्लाज्मा के अंदर डिजोल होकर पहुँचती है बॉडी टिश्यू के पास और जो नाइन्टी सेवन परसेंट है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन इस फॉर्म में पहुँचती है कहाँ तक बॉडी टिश्यू तक तो ऐसे होता है ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आगे देखिए आगे है सीओ टू कैसे ट्रांसपोर्ट होती है सात परसेंट जो सी ओ टू है वो डिज़ोल होती है प्लाज्मा में ठीक है प्लाज्मा में डिज़ोल होकर वो आती है और फिर बाहर निकल जाती है और जो सेवेंटी परसेंट है वो बाइकार्बोनेट सोडियम और पोटाशियम सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटासियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में बाहर निकलती है उसकी वजह से ब्लड ब्लड में जो प्लाज्मा के अंदर जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं उनके साथ कंबाइन होकर सीओ टू क्या है ट्रैवल करती है आगे ब्लड में से और फिर क्या है लंग्स से द्वारा वो सीओ बाहर निकाल दी जाती है और जो ट्वेंटी थ्री परसेंट है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है सीओ टू तेईस परसेंट और जो बाइंड होने के बाद जो ये बनता है कॉम्प्लेक्स बनता है इसको बोलते हैं कार्बामिनोग्लोबिन ठीक है जो कि आर के अंदर ही होता है ओके तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सीओ तो आज की क्लास में हमने मकैनिज़म किया रेस्पायरेशन और एक्सचेंज ऑफ कैसी मैंने थोड़ा सा आपको बताया और ये ट्रांसपोर्ट बताया हालांकि आपके सिलेबस के अंदर केवल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेसन है जो ये दो टॉपिक एक्स्ट्रा मैंने बताए हैं ये नहीं है आपके सिलेबस में लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया है इनके बारे में और नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेसन कि कैसे रेगुलेट होता है हमारे जो बॉडी है उसके अंदर दो सेंटर होते हैं उनके द्वारा वो रेगुलेट होता है अब एक न्यूरल सेंटर है केमिकल है न्यूरल के अंदर भी अलग अलग सेंटर हैं वो सेंटर कहाँ कहाँ लोकेट करते हैं तो ये छोटा सा टॉपिक है ये आपको खुद से पढ़ना है इसकी कोई वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा ठीक है और एक टॉपिक और बचेगा वो है आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन ये है कि जैसे माउथ माउथ टू माउथ रेस्पायरेशन देना जैसे किसी को अटैक आ जाए तो माउथ टू माउथ हम रेस्पायर रेस्पायरेशन देते उसको सांस देते हैं तो वो होता है आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन ये भी छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल ये भी आपको खुद से पढ़ना है ठीक है तो आज की क्लास में हमने एक टॉपिक किया है दो टॉपिक एक्स्ट्रा किए हैं और दो टॉपिक मैंने आपको बताया पढ़ने के लिए और जो ये रेस्पायरेशन तक जो चैप्टर है ये पूरा पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रेटरी एक्सक्रीशन वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले ठीक है एक चैप्टर आपका एक्सक्रीशन का बचा है और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका बचा है शायद से रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ठीक है तो आपके दो चैप्टर बचे हैं और शायद एक छोटा सा चैप्टर हो रहा है जेनेटिक्स पे बेस है वो तो ये आपके तीन चैप्टर हैं प्रोबेबली शायद ही हाँ यही तीन चैप्टर हैं मे बी तो इन तीन चैप्टर के बाद आपकी बी फार्मा का जो सेकंड सेम का जो सिलेबस है एच का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का वो हो जाएगा आपका बिल्कुल कंप्लीट। अगर आपको जो भी अब इस लेक्चर के अंदर पढ़ाया है अगर आपको उसके नोट्स चाहिए हैं तो क्या करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाना है वहाँ पर आपको लिंक दिया मिलेगा वहाँ पर आप क्लिक कीजिए और आपको नोट्स मिल जाएंगे आज की क्लास में बस इतना ही तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर